हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बारे में, जिसे झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस भी हैं, जिसे देश विदेश से भी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे हर साल लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। तो चलिए हम आपको आज 10 प्लेसेस के बारे में बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर आता है बड़ा तालाब, जिसे हम लेक व्यू या अपर लेक के नाम से भी जानते हैं। ये तालाब बहुत ही खूबसूरत है और ये पर्यटक की पहली पसंद भी है। कहा जाता है कि इस तालाब का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। यहाँ पे आप बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। ये लेक व्यू नाइट के टाइम पे और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है लाइटिंग के कारण। यहाँ पे इवनिंग के टाइम से कुछ शो स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे सिंगिंग का या कभी और भी अलग अलग शो होते हैं, तो आप इवनिंग के टाइम पे आके यहाँ का मजा उठा सकते हैं। और ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। नंबर 2 पे आता है सांची स्तूप। सांची स्तूप भोपाल का प्राचीन पर्यटक स्थल है। भोपाल से सांची 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एमपी की सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण महान सम्राट अशोक ने अपने शासन काल के दौरान किया था। सांची स्तूप के विशाल गुंबद में एक तिजोरी है, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। सांची स्तूप भोपाल के साथ साथ पूरे भारत के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध स्मारक में से एक है। इस स्तूप को देखने का समय सुबह 8:30 से शाम के 5:30 बजे तक होता है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है, जिसे लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। नंबर 3 पे आता है भोजपुर मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर, मंडीदीप से 15 किलोमीटर दूर भोजपुर, जो कि रायसेन जिला में स्थित है। भोजपुर की पहाड़ी पर एक बहुत ही एक अद्भुत मंदिर है, लेकिन अधूरा शिव मंदिर है। इसे भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर के शिवलिंग को विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग का ख्याति प्राप्त है। ये मंदिर का निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर अपनी अधूरी कहानी के लिए ही प्रचलित है। यहाँ पे पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं इसका इतिहास जानने के लिए, यहाँ पे शिव जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन, नवरात्रि के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं शिव जी के दर्शन करने के लिए। नंबर 4 पर आता है भीमबेटिका। भीमबेटिका भोपाल से 42 किलोमीटर की दूरी पर ये खूबसूरत गुफा एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर 600 से भी अधिक गुफाओं का समूह आपको देखने को मिल जाएगा। भीमबेटिका के हर एक पत्थरों पे आपको पौराणिक चित्रकला देखने को मिल जाएगी। ये गुफा भारत की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। ये गुफा भारत की संस्कृति को भी दर्शाता है। भीमबेटिका शाम के 5 बजे ही क्लोज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जानवर आने लगते हैं, क्योंकि ये पूरे जंगल में बना हुआ है। तो आप जब भी जाएं तो मॉर्निंग के टाइम पे ही विजिट करें। और यहाँ पे आपको बहुत सारे पत्थरों में कुछ अलग अलग कारीगरी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हर एक पत्थरों में आदि मानव द्वारा बनाया गया हुआ चित्र आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। नंबर 5 पे आता है पीपल्स मॉल, जो कि बहुत ही खूबसूरत मॉल है। इस मॉल में एंट्री करते ही आपको बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखने को मिलेगी। ये मॉल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें आपको 7 अजूबे देखने को मिलेगा। इस मॉल में मूवी थिएटर भी है और यहाँ पे आपको वाटर पार्क भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे गेम जोन और अदर चीजें भी आपको देखने को मिल जाएगी, और अंदर आपको फूड स्टॉल भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप टॉय ट्रेन का भी मजा ले सकते हैं। इस मॉल में ही आप पूरे विश्व का मजा ले सकते हैं। अगर आप ताजमहल नहीं गए होंगे देखने, या रेड फोर्ट नहीं गए होंगे देखने, वॉल ऑफ चाइना, तो आपको यहाँ पे सब देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे ही सब एंजॉय कर सकते हैं। ये मॉल इवनिंग के टाइम पे और भी खूबसूरत लगता है। इस मॉल को पर्यटक भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 6 पर आता है सैर सपाटा।
सैर सपाटा भोपाल शहर के बड़े तालाब यानी अपर झील के किनारे एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है जिसका निर्माण मध्य प्रदेश पर्यटक विभाग द्वारा किया गया है। भोपाल का ये खूबसूरत स्थान लगभग 25 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर पर्यटक म्यूजिकल फाउंटेन, चिल्ड्रन प्ले, यहाँ पे पर्यटक सबसे ज्यादा झूलता हुआ पुल को पसंद करते हैं क्योंकि वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और नाइट के टाइम पे वो और भी खूबसूरत लगता है। यहाँ पर आपको खाने के लिए छोटे छोटे स्टॉल देखने को मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे पर्यटक टॉय ट्रेन और बोट राइडिंग का भी मजा लेते हैं। और यहाँ पे एक बेल लगा हुआ है जैसे कि उसमें लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे आके खुश हुए हैं तो ये बेल जरूर बजा के जाएं। ये भी फैमिली और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा घूमने का प्लेस है। नंबर 7 पे आता है ताजुल मसाजिद। ये मस्जिद वर्ल्ड का सबसे बड़ा मस्जिद है। ताजुल मस्जिद का अर्थ होता है मस्जिदों का ताज। भोपाल का ये मस्जिद मुस्लिम लोगों की आस्था का प्रतीक है। ये मस्जिद भारत की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक गिनी जाती है जिसकी संरचना काफी सुंदर और भव्य है। नंबर 8 पे आता है वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार बहुत खूबसूरत जगह है जो भोपाल शहर के बीच में स्थित है। यहाँ पर वनस्पति और वन्य जीवन की विभिन्न प्रजाति देखी जा सकती है। इसके चलते यहाँ पर साल भर काफी पर्यटक आते हैं। यहाँ पे आपको जानवरों से लेकर सांप के भी हर प्रजाति आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे म्यूजियम भी, आपको वहाँ भी सारे स्केलेटन ये सब देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बच्चों से लेके बड़े भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। ये बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे आप बाइक से या फोर व्हीलर या जो भी आपके पास व्हीकल है आप उससे भी घूम सकते हैं। ये स्थान भी पर्यटकों की पहली पसंद में से एक है। नंबर 9 पर आता है सौर स्मारक। ये लगभग 12 एकड़ के विशाल एरिया में फैला हुआ है। ये सौर स्मारक भोपाल के श्यामला हिल्स में स्थित है। ये स्मारक देश के लिए शहीद होने वाले वीरों की शौर्य गाथा से रूबरू कराता है। इस स्मारक में ग्रेनाइट के पत्थर से आपको 62 फीट ऊंचा स्तंभ देखने को मिल जाएगा। इस स्मारक को देखने के बाद आपके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल हो जाएगी। इस स्मारक में बीच बीच में प्रोग्राम होते रहते हैं। यहाँ पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी प्रोग्राम होते हैं जो कि पर्यटक बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और वहाँ पे जो देशभक्ति की भावना दर्शाई जाती है वो भी पर्यटक बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। नंबर 10 पे आता है त्रिभुवन म्यूजियम। अगर आप आदिवासी संस्कृति देखना पसंद करते हैं तो ये म्यूजियम आपके लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। यहाँ पर आप आदिवासी संस्कृति को बहुत ही करीब से देख सकते हैं। इस म्यूजियम में आप आदिवासियों से जुड़ी हुई कई चित्र देखने को आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारी सांस्कृतिक से लेके रहस्यमय चीजें जानने को मिलेगी। इस स्थान को बहुत ही पसंद किया जाता है। आपको भोपाल की ये 10 प्लेसेस कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ये प्लेसेस घूम चुके हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वहाँ जाके कैसा लगा था। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।